जी गाइस, तो अब इस एपिसोड में मैं जा रहा हूँ ह्यूस्टन स्पेस सेंटर को विज़िट करने के लिए। ह्यूस्टन जो है ना, ये एक नहायत ही अच्छा और ज़बरदस्त और बड़ा सिटी है, और इसके अंदर जो है ना, बेसिकली नासा का जो मेन हेड ऑफिस है, वो जितने नासा के जो है ना वो मिशन वगैरह वो इधर से जाते हैं। और यह कि स्पेस सेंटर जो है ना, एक सॉर्ट ऑफ म्यूज़ियम है, उसको मैं जा के विज़िट करता हूँ और देखता हूँ कि स्पेस सेंटर में जो है ना वो हमारे लिए क्या है। और मैं इंशाल्लाह जो है ना, इस एपिसोड के अंदर मैं आपको ह्यूस्टन के अंदर जो स्पेस सेंटर है उसका पूरा टूर करवाने लगा हूँ। तो इस वक्त मैं आया हूँ नासा के स्पेस सेंटर के अंदर। तो अभी मैं आपको जो है ना, नासा का स्पेस सेंटर विज़िट करवाता हूँ। तो मैं अभी पार्किंग में हूँ, मैंने अभी गाड़ी खड़ी की है। 10 बजे जो है ना ये स्पेस सेंटर खुलता है, तो तकरीबन जो है ना अभी 10 बजने में 10 मिनट रह गए हैं। तो 10 मिनट के बाद जो है ना वो मैं अभी अंदर जाऊँगा और फिर आपको दिखाता हूँ। तो पहले उतनी देर तक मैं आपको ज़रा बाहर से व्यू दिखा देता हूँ। ये आप देखें, ये नासा का स्पेस सेंटर है। ये बाहर एक जहाज सा खड़ा किया हुआ है और यह है नासा स्पेस सेंटर। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट्स इनसाइड। इसके बाहर ये दो जहाज़ खड़े हैं जिसके पास अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, और जो है ना अभी मैं थोड़ी देर के अंदर नासा स्पेस सेंटर के अंदर जाने लगा हूँ, और फिर जाके जो है ना फिर मैं सारे आपको स्पेस सेंटर की सारी वीडियो बना के दिखाता हूँ। ये है नासा स्पेस सेंटर की जो है ना एंट्रेंस। तो अभी तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर जो है ना ये स्टार्ट होने लगा है। सुबह 10 बजे खुलता है और अभी 10:09 बजे। तो इंशाल्लाह मैं टिकट लेके अंदर जाता हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। ये स्पेस सेंटर जो है ना ह्यूस्टन में है, USA के अंदर। जी तो अब मैंने टिकट इसकी ले ली है। टिकट तकरीबन जो है ना वो $30 में मुझे मिली है, ये टिकट है। और अभी ये लेके मैं जो है ना वो अंदर जाने लगा हूँ। एकदम से रश काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और मेरे ख्याल स्कूल्स की बसेज भी आ गई हैं और वो बच्चों को जो है ना वो इधर से ला के तो दिखा रहे हैं। काफ़ी अच्छा खासा रश हो गया, आप देखें छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स के जो है ना वो आ गए हैं काफ़ी सारे ये देखने के लिए। मैं जो है ना स्पेस सेंटर के अंदर आ गया हूँ। ये उसकी मेन लॉबी है। इधर जो है ना स्पेस सेंटर का मेन एरिया है, और अब मैं इधर आगे जाता हूँ और देखता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं स्पेस सेंटर के अंदर। ये देखें आप, अब यह है कि स्पेस सेंटर के अंदर सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो है स्पेस सेंटर के अंदर स्पेस शटल्स हैं, और जो है ना जितनी भी स्पेस से रिलेटेड लोकेशंस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो स्पेस सेंटर के अंदर इन्होंने बनाई हुई हैं। ये सॉर्ट ऑफ म्यूज़ियम है। तो सबसे पहले आप वो देखें, सामने आपको स्पेस शटल नज़र आ रही है। उसके अलावा जो है ना इधर से एक ट्रैम चलती है, वो भी आप जो है ना वो लेके एक ट्रैम का टूर कर सकते हैं। दो सेपरेट ट्रैम होती हैं, वो हम लोग बाद में करेंगे। अभी ये देखें कि ये जो है ना आपके पास मार्स का एक पॉइंट बना हुआ है, जहाँ से आप मार्स की जो है ना वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इधर तमाम स्टडी, तमाम रिसर्च से रिलेटेड जो है ना सारी चीज़ें, अगर आपका उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है स्पेस से रिलेटेड, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इधर से मिल सकती है। डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट, डिफरेंट तरह की लोकेशन, जैसे कि ये देखें आप विजिटर मैप्स ऑफ मार्स है। सो मार्स के ऊपर जो डिफरेंट प्लेसेस बनी हुई हैं, उनका जो है ना पूरा एक मैप है। आप किसी भी एक बटन के ऊपर क्लिक करें तो उससे रिलेटेड जो है ना वो प्लेस आपको हाईलाइट करता है इस मैप के ऊपर। तो ये मार्स स्पेसिफिक एरिया, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख के मार्स के ऊपर जो है ना आप स्टडी कर सकते हैं, और सारी की सारी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन उन्होंने मार्स के पॉइंट्स के बारे में इधर नीचे दी हुई है। उसके बाद अगर आप आके देखें तो ये एक नहायत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो एक स्पेस शटल बनी हुई है। तो आप स्पेस शटल के अंदर जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि जो है ना कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेस की शटल्स हैं,
और वो जो है ना कब बनी और कब गई और तमाम स्पेस शटल्स के बारे में जो है ना हिस्ट्री हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन और उसके जो भी लोग डिफरेंट मिशंस पे जाते हैं उन मिशंस की सारी प्लानिंग उससे रिलेटेड जो है ना सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर से इस म्यूज़ियम के अंदर से मिल सकती है। दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड ग्रेट एक्सपीरियंस अबाउट द स्पेस सेंटर एंड स्पेस एक्टिविटीज। देखें ये स्पेस एक्सप्लोरेशन व्हीकल एक बनी हुई है, इस तरह की जो है ना वो व्हीकल्स होती हैं जो कि वो जो है ना स्पेस सेंटर के अंदर लेके जाते हैं, नहायत ही ज़बरदस्त। और उसका जो कैप्टन है वो भी था। तो ये देखेंगे एक और डिफरेंट तरह की स्पेस है और ये डिफरेंट जो है ना डिफरेंट सेंटर्स बने हुए हैं। अब ये देखेंगे एक और नया सेंटर है एस्ट्रोनॉट्स के लिए। सो एस्ट्रोनॉट्स की जो लाइफ है उसकी लाइफ का इक्विपमेंट उसकी जो पूरी की पूरी ज़िंदगी उनकी जो ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट्स से रिलेटेड जो है हाउ दे स्पेंड देयर लाइफ इन द स्पेस शटल्स और कौन कौन सी इक्विपमेंट्स उसके स्पेस शटल से रिलेटेड चाहिए ये सारी की सारी जो है ना वो इसके अंदर इस म्यूज़ियम के अंदर दिखाई हुई है, एक्सप्लेन की हुई है। लाइक अगर आप उसको लर्न करना चाहें सीखना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप भी कभी जाएँ इधर जो है क्या करते हैं ह्यूस्टन में तो स्पेस सेंटर ज़रूर विज़िट करें। देखें स्पेस मैन उसके इक्विपमेंट उसके कपड़े उसकी क्लॉथिंग उसकी जो जो चीज़ें चाहिए ना वो सारी की सारी इसके अंदर एज एन एग्जांपल के तौर पे दी हुई हैं। क्योंकि बेसिकली तो जो है ना बहुत सारे जो है ना मेजर स्पेस में जो हैं वो जाते लोग नासा से ही हैं। तो ये नासा का जो है ना आप ये कह रहे हैं कि स्पेस का एक म्यूज़ियम है और एक रिसर्च सेंटर है जिसमें जो है ना वो लोगों को तमाम लोगों के बारे में जो है ना वो बताया हुआ जो स्पेस में जाते हैं या स्टीव जॉब्स के बारे में भी इधर है। जितने बड़े बड़े जो है ना वो आप ये कह लें कि फेमस जो हैं वो आप कह लें जो लोग हैं हिस्ट्री के अंदर हिस्टोरिशन उनके डिफरेंट जो है ना वो वर्ड्स उनके कमेंट्स वो सारे के सारे इधर दिए हैं और उनकी हिस्ट्री जो है ना वो इधर लिखी हुई है और उनके सारों की जो है ना अचीवमेंट्स के बारे में बताया हुआ है। स्पेशली जो है ना कौन कौन से मिशन जो है ना वो कब कब गए, अब ये कौन कौन से स्पेस से रिलेटेड इक्विपमेंट आपके यूज़ हो रहे हैं वो सारे बताए हुए हैं और हिस्टोरिकली जो है ना इसके अंदर पूरी की पूरी जो है ना वो ब्रीफिंग है और इक्विपमेंट्स और टूल्स के बारे में बताया गया कि कौन कौन से टूल जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं स्पेस सेंटर के अंदर। स्पेस में चलने वाली गाड़ियाँ, स्पेस में चलने वाले लोग, स्पेस में चलने वाले रोबोटिक्स, स्पेस के मिशन, ये देखें ये सारे डिफरेंट मिशन जो डिफरेंट ईयर्स में गए हुए हैं उनमें कौन कौन से लोग गए हुए हैं और उनके बारे में सारी की सारी जो है ना वो हिस्ट्री पिक्चर्स तमाम लोगों के बारे में इधर एक वॉल के ऊपर जो है ना वो इस हाल के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की हुई है। अब यह है कि ईच स्पेस एक्सपीडिशन के अंदर जो है ना 2, 3, 4, 5 या कुछ ज़्यादा लोग जो है ना वो हो सकते हैं। तो ये एक एक्सपीडिशन जो है ना वो एक कंट्री या मल्टीपल कंट्रीज जो है ना वो मिल के जो है ना वो अरेंज करते हैं। आप देखें कि इसमें हर एक के अंदर जो है ना पिक्चर के अंदर उसमें बताया हुआ है कि कौन सी एक्सपीडिशन कौन से ईयर के अंदर कहाँ पर गई और उसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, कौन कौन से कंट्रीज़ का एक्सपीडिशन गया। तो ये सारी की सारी जो है ना वो हिस्टोरिकली इधर दिखाई हुई है। ये स्पेस की एक गाड़ी बनाई हुई है जो गाड़ी जो है ना मोस्ट प्रोबेबली स्पेस में चलती है, नहायत ही ज़बरदस्त जो है ना वो कार है। ना सिर्फ ये एक बड़ी ज़बरदस्त कार है बल्कि उस गाड़ी से रिलेटेड जो आपके पास इक्विपमेंट है और जो जो उसके साथ जो है ना वो एक्सेसरीज है उसकी वो सारी की सारी जो है ना वो इसके अंदर बनाई हुई है, दिखाई हुई है और एक्सप्लेन की हुई है। नहायत ही ज़बरदस्त एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस है स्पेस सेंटर के अंदर। अब अगर आप इधर देखें तो ये काफ़ी सारे जो है ना वो इक्विपमेंट्स हैं और ये छोटी छोटी जो है ना वो शटल्स भी आपको इसके अंदर दिखाएगा, शटल्स और पता नहीं इनको क्या क्या उनके इक्विपमेंट्स के नाम है। और इधर इसमें इम्पॉर्टेंट यह है कि इधर कुछ सिनेमा टाइप बने हुए हैं सॉर्ट ऑफ डेमोस्ट्रेशंस हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए और सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आपको इधर दिखाता है। वर्चुअल रियलिटी के तौर पे जो है ना इसकी चीज़ें दिखा रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ सारा, ये नासा लीडिंग जर्नी टू मार्स है, नासा के जो मार्स के ऊपर जाने वाले जो जर्नी है ना ये उसका है, मार्स मिशन के बारे में
और मार्स के ऊपर जो जो उन्होंने पॉइंट्स है ना वो एलोकेट किए हुए ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है मार्टिन लाइफ, मार्टिन की लाइफ है मार्स के ऊपर आई हूँ। तो क्या है ये मार्स के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो एलोकेट किए हुए हैं, ये उसके बारे में दिखा रहा है इधर। उसके बाद हम इधर रखते हैं तो ये रॉकी है, रॉकी जो कि मार्स के ऊपर इस तरह की चट्टान होती है उसके लिए मार्स के ऊपर सारा जनसान इसी तरीके से है। बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म की चट्टान है। आई होप कि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त मिनरल्स होंगे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। बट यस दिस इज ऑल फर्दर आप देखें कि ये शटल है, एक शटल बनाई हुई है। उसके बाद ये मार्स मिशन के बारे में जो है सारी डिटेल है। एक शटल ये है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और उसके पीछे जो है ना ये इस शटल के पॉइंट्स हैं। जब ये स्पेस में जाते हैं तो इनके साथ क्या होता है, तो 45 मिनट का ये राउंड ट्रिप करता है। एनी हाउ ये आप देखें एडवांस सिस्टम्स कौन कौन से लगे हुए हैं, पैराशूट, इसके कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं, इसके कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, सारे के सारे जो है ना वो इसके अंदर आ रहे हैं। तो पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है स्पेस की, स्पेस के जो इक्विपमेंट्स हैं। ये एक स्पेस रॉकेट दिखा रहा है, ठीक है, SLS पीसीज बाय पीसीज, इसके सारे पीसीज दिखाए हैं। और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है कि कौन कौन से जो है ना इसके SLS के पीसीज हैं, सारे पीसीज के बारे में मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। और ये रोबोटिक्स हेल्पर के तौर पे है जो कि उसके अंदर शक्ल के अंदर होता है। लिविंग अर्थ हेयरिंग टू द मार्स। और ये देखिए मार्स रॉकेट्स, स्पेस सेंटर थिएटर है। एक लड़की है जो गई थी और 1978 में जब मैं पैदा हुआ था तो उस वक्त जो है ना ये लड़की स्पेस में गई थी एस्ट्रोनॉट के तौर पर। So ये क्लॉथ और ये सारा उसका जो है ना दिखाया हुआ है इसमें। ये शटल की डिटेल है सारे, ये उसके सारे जो है ना वो पार्ट इक्विपमेंट से पार्ट्स हैं कि कौन कौन से आपके पास जो है ना वो चीज़ें चाहिए। ये कोवे नासा ये 1960 में गया था स्पेस के मिशन के ऊपर, ये उसका स्टेचू जो है ना समझो इधर बना कर आया है। ये कुछ कपड़े हैं जो कि नासा के और इसके जो है ना वो यूज़ होते हैं। तो
दिस इज ऑल सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं म्यूजियम, इसमें सारी ये एक स्पेस डिस्कवरी जो सा ना शटल है देखें जिस तरह ये है स्पेस डिस्कवरी शटल डिस्कवरी। तो ये डिस्कवरी के लिए शटल। अब छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं और वो भी रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। स्कूल किड्स आप देखें, स्कूल के टीचर्स जैसे ना अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को साथ लेके आई हुई हैं और उनको ये दिखा रहे हैं। अब ये एक ट्रैम का टूर है, ये ट्रैम का टूर करने लगे हैं। तो ट्रैम टूर जो सा है ना, एक ब्लू होता है एक वाइट होता है, तो हम लोग ब्लू वाला करने लगे हैं। अब देखते हैं कि ट्रैम टूर में क्या दिखाते हैं। ये उसकी वर्कशॉप है। All right, folks, you need to keep moving through that doorway, please. Walk out towards me. Try to stay in single file. ये वर्कशॉप में ले आया है। वर्कशॉप में ये जो था ना, ये स्पेस शटल्स वगैरह बन रही है और इनके ऊपर काम हो रहा है। ये कुछ इंजीनियर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखें कितनी बड़ी बड़ी शटल्स कैसे बनती हैं। ये देखें आप पूरी जो है ना वर्कशॉप का टूर करवा रहे हैं। ब्लू टूर के अंदर और इसके अंदर ये स्पेस ट्रेनिंग फैसिलिटी है। यू विल सी ऑल ऑफ द मॉकअप्स ऑफ द मॉड्यूल्स दैट मेक अप द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। टू द राइट नेक्स्ट टू द फ्लैग आर द अमेरिकन मॉड्यूल्स, दे हैव नेम्स लाइक यूनिटी, डेस्टिनी, हार्मनी, क्वेस्ट, एंड देन देयर्स टू रशियन मॉड्यूल्स टू द लेफ्ट व्हिच आर नेम्ड वेज़्दा एंड ज़ारिया। ज़ारिया इज द वन दैट हैज़ ऑल द एक्सपेडिशन दैट इज फंडेड बाय जेफ बेज़ोस कंपनी ब्लू ओरिजिन, एंड ही इज द वन हू स्पिन अप sending people up on a short 15-minute ride for about $250,000. He just sent Captain Kirk up, William Shatner up there, out in West Texas. ये एक स्पेस शटल है, देखें आप कितनी बड़ी है। स्पेस शटल के पास मैं खड़ा हूँ
ये देखें, वाओ, मैं आपको इसका इधर से व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, ये बेसिकली ये जो है ना नासा का ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर है, जहाँ पे जो है ना सारे लोग जो है ना वो ट्रेनिंग करते हैं। तो इधर आप जो है ना आके देखेंगे कितनी बड़ी शटल्स हैं, और ये शटल जो है ना कितनी पावर लगती होगी, और पावर लगा के जो है ना ये इसको भेजते हैं स्पेस के अंदर। ये स्पेस शटल इधर से स्टार्ट हो रही है, और मेरा ख्याल है ये पहला पोर्शन होता है, ये पहले उतर जाता है और फिर ये दूसरा पोर्शन रह जाता है, दूसरा और तीसरा, और फिर बाद में आगे जाकर ये भी उतर जाता है। तो एंड पे जो है ना सिर्फ वो तीसरा और लास्ट पोर्शन रह जाता है। तो बाद में जो स्पेस के अंदर जो चलती है ना शटल, वो ज़्यादा ये फर्स्ट वाला पोर्शन होता है, ताकि एनर्जी कम लेगी और इसके ऊपर जो है ना चलेगी। लेकिन ये दो नीचे वाले हैं, इसमें कितने फ्यूल होगा या एनर्जी होगी जिसकी वजह से जो है ना ये चलेगा। देखिए इसके ऊपर जो है ना इन्होंने बताया हुआ है कि फ्लाइट दिस रॉकेट वाज फ्लाइटेड, ये रॉकेट जो है ना बिल्कुल चलने के लिए तैयार है, और ये सारी इसकी प्रोफाइल और इसकी डिटेल्स उन्होंने बताई हुई हैं। ये छोटा है और उसके आगे जो है ना बिल्कुल छोटा है। ये पूरे का पूरा जो है ना एक देखें पूरे का पूरा शटल है। सो इसमें से तीन पोर्शन, चार पोर्शन एक्चुअली होते हैं, ये फोर्थ वन, ये थर्ड वन है ये वाला, ये देखें आप। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लास्ट ऑफ करता है, और सिर्फ ये रह जाता है, ये इसका ब्लास्ट हो जाता है। एंड नाउ दिस विल बी द फाइनल पार्ट, क्योंकि सबसे आगे रह जाता है। सो दिस इज ऑल कंप्लीट स्पेस शटल, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त एजेंसी है नासा वालों की, ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर है, जो पता नहीं कितने सैकड़ों एकड़ के ऊपर जो है ना वो फैला हुआ है।